नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर के बारे में। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर हम यूज करते हैं कि किसी चीज की हार्डनेस नापने के लिए, कि वो मटेरियल उतना हार्ड है या नहीं, उसकी टेस्ट करने के लिए हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूज करते हैं। क्योंकि हमें कुछ कुछ एप्लीकेशन में किसी किसी जॉब के या किसी किसी पार्ट के हार्डनेस एक स्पेसिफिक रेंज के रेंज में ही चाहिए होते हैं। किसी के 54 टू 60 के रेंज में चाहिए होते हैं, या किसी के उससे 60 के भी आगे चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हम नापते हैं। और रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे हम आज नापेंगे एचआरसी में हार्डनेस नापने वाले हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, और ये जो रीडिंग मिलती है हमें एचआरसी में, तो वो यहाँ पे मिलती है। तो ये उसका मीटर है, और यहाँ पे हम जॉब रखेंगे तो ये प्रोब होता है। तो इसके नीचे हम जॉब रख के इस प्रोब से हम मेजर करेंगे। यहाँ पे एक हैंडल है, उसके बाद वो हैंडल के यूज से हम ये सब चीजें करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो चलिए आज हम एक जॉब की हार्डनेस नापते हैं। तो सबसे पहले बता दूं तो ये उसके बेस होते हैं, और ये भी एक दिया है। ये भी जो है, अगर हमारे पास राउंड कोई जॉब है तो हम उसके इस वी पे रख के इसकी हार्डनेस हम इस तरीके से नाप सकते हैं। तो ये हो गया राउंड के लिए। अगर हमारे पास कोई फ्लैट है, मतलब ऐसे इसको कट करके हम छोटा फ्लैट बना सकते, तो इस तरीके से हम उस पे रख के, मतलब वो फ्लैट को इस पे रख के वो कर सकते हैं। तो हमारे पास आज राउंड है, तो हम उसके लिए हम वी जो है वही यूज करेंगे। तो हम ये वी इसमें डाल देते हैं, ऐसा उसमें जगह होती है इसमें डालने के बाद। फिर हम इसको थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, फिर हम इस जॉब को यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ देखिए, इसको ऊपर उठाएंगे, ये देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है जॉब। तो इस तरीके से जाएंगे, देखिए यहाँ पास आइए, मीटर पे देखिए यहाँ पे। अब ये जो छोटा पॉइंट है, ये बिंदु, जहां तक सेट पॉइंट तक नहीं जाता तब तक हमें इसे ऊपर लेना है। थोड़ा क्लोज लीजिए एक पॉइंट तक, देखिए इस पॉइंट को देखते रहिए, नीचे से घुमाते रहना उसे। ये देखिए एक पॉइंट तक जा रहा है, ये देखिए ये घूम रहा है ऊपर। तो ये जो पॉइंट है इस बिंदु सेट पे, वहां तक लेके जाना है हमें। ये देखिए वहां लेके गए, अब ये सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे सेट जो लिखा है वहां तक उसको हमने दिया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लोड अनलोड का हैंडल है, ये हैंडल हम लोड कर देगी, मतलब उस पर हम दे रहे। तो ये देखिए आप, ये घूम रहा है। तो हमने ये इस तरीके से हम जॉब पे लोड दे देते हैं। तो ये जॉब पे लोड देने के बाद फिर उसे अनलोड करना है, तो उसके बाद हमें उसकी हार्डनेस मिल जाएगी। तो ये देखिए है हैंडल, हम उसको अनलोड कर रहे हैं तो ऊपर भी वो घूम रहा है। तो देखिए ये, तो देखिए यहाँ, तो इसकी हार्डनेस हमें बहुत ही कम मिली है, क्योंकि ये सॉफ्ट जॉब है। अगर हम हार्ड जॉब लेते हैं तो उसकी हार्डनेस भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। सो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे। तो यह इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी, और यह आप यूज करिए, और ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।